नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर ज्ञान झा आप सभी का स्वागत करता हूँ मनोचिकित्सा क्लिनिक जबलपुर में। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गैलेक्टोरिया पर। अब ये गैलेक्टोरिया क्या होता है? निपल से मिल्क लाइक डिस्चार्ज होता है। अब ये गैलेक्टोरिया मेल्स में भी हो सकता है, फीमेल्स में भी हो सकता है, किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। अब मिल्क लाइक डिस्चार्ज आ रहा है और लेडी जो है वह प्रेग्नेंट नहीं है, वह मदर नहीं बनी है, तो उनके लिए बहुत बॉदरसम होता है। जेंट्स के लिए तो निश्चित तौर पर यह बॉदरसम बहुत तकलीफदेह होता है। अब गैलेक्टोरिया जो होता है यह क्यों होता है और इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं, तो संक्षिप्त में अभी मैं बता दूं आपको कि गैलेक्टोरिया जो हमें डे टू डे साइकियाट्रिक प्रैक्टिस में देखने को मिलती है वो कुछ मेडिकेशंस के कारण देखने मिलती है, लेकिन उन पर मैं बाद में आऊंगा। गैलेक्टोरिया और किन कारणों से होता है उस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि गैलेक्टोरिया होता क्या है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि मिल्क लाइक डिस्चार्ज होता है व्यक्ति के निपल से, तब हम कहते हैं कि यह गैलेक्टोरिया है। अब मिल्क लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, जो व्यक्ति है वह प्रेग्नेंट नहीं है, मदर नहीं है या मेल है, तो निश्चित बात है कि यह जो डिस्चार्ज हो रहा है यह नॉर्मल नहीं है, एबनॉर्मल है। बहुत ही रेयर कंडीशन में हम इसे नॉर्मल कहते हैं। वह कंडीशन तब होती है जब लेडीज में यह डिस्चार्ज हो रहा हो और यह डिस्चार्ज जो हो रहा है उसका कारण है कि जो मेमोरी ग्लैंड है वह हाइपर रिस्पॉन्सिव है टुवर्ड्स द हार्मोन। विच हार्मोन? प्रोलैक्टिन हार्मोन। क्योंकि प्रोलैक्टिन वह हार्मोन होता है जो मिल्क लाइक प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है आपके ब्रेस्ट से। हाइपर रिस्पॉन्सिव मेमोरी ग्लैंड होने पर हमें फिजियोलॉजिकल कंडीशन पे भी डिस्चार्ज निपल से मिलता है। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर मिल्क लाइक डिस्चार्ज हो रहा है और निश्चित तौर पर जो फिजियोलॉजिकल नहीं है, ऐसे समय पर हो रहा है जब मिल्क लाइक डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, तब हमें चिंता कब करनी है? चिंता करनी है यदि जो डिस्चार्ज हो रहा है वह ब्लडी डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब वह ब्लड टेंस हो रहा है। चिंता करनी है यदि जो डिस्चार्ज हो रहा है वह दोनों निप्पल से ना होकर एक ही निप्पल से हो रहा है। चिंता करनी है यदि जो डिस्चार्ज हो रहा है वह वाटरी मिल्की ना होकर चिपचिपा सा हो रहा है। इस कंडीशन पर हमें देखना पड़ता है कि क्या कोई ट्रबलसम या कोई डेंजर रीजन है इस डिस्चार्ज का, या यह एक बहुत ही कॉमन गैलेक्टोरिया या ऐसा गैलेक्टोरिया हो रहा है जो कि इडियोपैथिक है। अब इडियोपैथिक मतलब गैलेक्टोरिया का जब हम डायग्नोसिस बना लेते हैं कि हाँ ये गैलेक्टोरिया है, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और कोई विशेष कारण जब नजर में नहीं आता तब हम कहते हैं कि ये इडियोपैथिक गैलेक्टोरिया है। तो गैलेक्टोरिया किन किन कारणों से होता है? साइकेट्री में एंटीसाइकोटिक क्लास जो होता है वह बहुत ही नोटोरियस ड्रग होता है गैलेक्टोरिया कॉज करने के लिए। उसमें भी अगर हम बात करें तो रिस्पेरिडोन और ओलंजापीन जो एंटीसाइकोटिक हैं वह बहुतायत में गैलेक्टोरिया प्रोड्यूस करते हैं। दूसरे कारण वह है एंटी हाइपरटेंसिव मेडिकेशन, जैसे मिथाइल डोपा, जैसे एटिनोलॉल, जैसे वेरापामिल, ये भी गैलेक्टोरिया कॉज कर सकते हैं। अन्य कारण में अगर कोई हमें ओपियोइड अब्यूजर, मतलब जो कि अफीम का सेवन करते हैं, ऐसे लोगों में भी गैलेक्टोरिया देखने को मिल सकता है। तो अब गैलेक्टोरिया की डायग्नोसिस कैसे बनाई जाती है? जब हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और वह कहता है कि हमारे निप्पल से मिल्क लाइक डिस्चार्ज हो रहा है, तब हमारे दिमाग में सस्पिशन उठता है कि यह गैलेक्टोरिया है। अब हम देखते हैं कि भाई इसके पीछे का कारण क्या है। तो एक तो मैंने आपको बता ही दिया कि जो ड्रग इंड्यूस्ड गैलेक्टोरिया होते हैं, तो ड्रग इंड्यूस गैलेक्टोरिया के लिए हम जब ट्रीटमेंट हिस्ट्री लेते हैं तो हम देखते हैं कि क्या कोई ऐसा मेडिसिन चल रहा है जो कि गैलेक्टोरिया कॉज कर सकता है। जब हमें दिखाई पड़ जाता है कि हाँ ऐसे मेडिकेशंस हैं, तो हम उन मेडिकेशंस को कम करने की या सब्स्टिट्यूट दूसरे किसी ऐसे मेडिसिन से बदलने की कोशिश करते हैं जिससे गैलेक्टोरिया समाप्त हो जाए। अगर हमें कोई विशेष रीजन नहीं समझ में आता, विशेष दूसरे रीजन जो इन्वेस्टिगेशन में हम देखते हैं वह है
पिट्यूटरी का एडिनोमा होना, मतलब पिट्यूटरी की ग्रंथि जो आपके मस्तिष्क में होती है उसकी ओवरग्रोथ हो जाती है, उससे भी प्रोलैक्टिन का हार्मोन बहुत सिक्रिट होता है, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो प्रोलैक्टिन हार्मोन बनाता है, और बहुत ज्यादा प्रोलैक्टिन बनना चालू हो जाता है पिट्यूटरी के ओवरग्रोथ होने से, जिसकी वजह से भी गैलेक्टोरिया हमें देखने को मिलता है। तो इसके लिए सीटी या एमआरआई से हम देख पाते हैं कि क्या पिट्यूटरी ग्लैंड का ओवरग्रोथ है। अच्छी बात यह है कि यह जो पिट्यूटरी ओवरग्रोथ है यह कोई डेंजरस नहीं होता, या इससे घबराने वाली या डरने वाली या जानलेवा ऐसी कोई बात नहीं होती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यह ट्रीटमेंट से, मेडिकल ट्रीटमेंट से, और बहुत ही रेयर केसेस में सर्जिकल या रेडिएशन थेरेपी की जरूरत पड़ती है यदि पिट्यूटरी ओवरग्रोथ देखने को मिलता है। अन्य कारणों में अगर चेस्ट ट्रॉमा है या चेस्ट सर्जरी है तो भी हमें गैलेक्टोरिया देखने को मिल सकता है। अब डेफिनेटिव डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे कि ये गैलेक्टोरिया ही है, तो उसके लिए हम लोग ब्लड टेस्ट करते हैं जिसमें प्रोलैक्टिन का लेबल देखते हैं। अब प्रोलैक्टिन लेबल मेल्स में अलग होते हैं, फीमेल्स में अलग होते हैं, प्रेग्नेंट फीमेल्स में अलग होते हैं। इसमें हमें साफ समझ में आ जाता है कि जिन केसेस में गैलेक्टोरिया है उनमें प्रोलैक्टिन लेवल बहुत हाई आता है। तो अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसा मैंने पहले ही बताया कि अगर ड्रग हमें रिस्पॉन्सिबल मिलता है तो हमें ड्रग को बदलना पड़ता है या कम करना पड़ता है, और इस प्रकार से जो गैलेक्टोरिया है वह समाप्त हो जाता है। यदि हमें पिट्यूटरी के कॉज मिलते हैं तो मैंने आपको बताया कि सर्जिकल रेडिएशन थेरेपी बहुत ही रेयर केसेस में करनी पड़ती है, मोस्टली मेडिसिनल ट्रीटमेंट से ही हो जाता है। तो वह कौन सा मेडिकेशन है जो गैलेक्टोरिया के केस में हम लोग यूज करते हैं? मोस्ट कॉमनली आज के डेट में हम लोग कार्बरगोलिन नाम की एक गोली आती है जो कि 0.25 या 0.5 mg के डोज में होती है, इसका प्रयोग करते हैं, और यह जो है यह प्रोलैक्टिन लेवल को नॉर्मल लेवल पर ले आता है, जिसकी वजह से गैलेक्टोरिया समाप्त हो जाता है। अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग ड्यूरेशन के लिए हमें यह ट्रीटमेंट देना पड़ता है, पर डे टू डे प्रैक्टिस में हमने पाया है कि मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट में यह कार्बरगोलिन गैलेक्टोरिया को समाप्त कर देता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि गैलेक्टोरिया होता क्या है, कब डेंजर साइन होता है, कौन कौन सी वो बात है जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए, और वह कौन से ट्रीटमेंट मॉडलिटी हमारे पास अवेलेबल है जिससे हम गैलेक्टोरिया को बड़ी आसानी से ट्रीट कर लेते हैं। इस प्रकार के अन्य वीडियो आपके साथ शेयर करता रहूंगा। आपसे उम्मीद यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए। नमस्कार।